ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। दोस्तों, आप सभी का चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। आपका कौन शत्रु है, आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन और शत्रुता से आज एक बहुत बड़ा पर्दा उठने वाला है। हमारे बहुत ज्यादा शत्रु हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, बहुत सारे जातक हमारा मिसयूज करते हैं, हमारे बारे में गलत बातें करते हैं और इन शत्रुओं की वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। शत्रु दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिन शत्रुओं को हम जानते हैं कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, और दूसरा जो अज्ञात शत्रु है। हमें तो 90% ये पता ही नहीं होता है कि यह भी व्यक्ति हमारा शत्रु है, अर्थात वो व्यक्ति हमारा बुरा चाहता है। तो आपकी राशि के जातकों की जो शत्रुता होती है उसके पीछे कौन सा मुख्य रीजन होता है, यह आप विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। और यह भी जानने वाले हैं कि कैसे शत्रुता से हम बचें, कैसे शत्रुता से हम बाहर आए, हमारे काम भी बने और जैसे हम है ही नहीं, शत्रुता की जितनी सारी वजह है उन वजहों को भी खत्म होने के लिए कोई ऐसे उपाय, कोई तरीके जो बहुत प्रभावशाली हो और जिनका 100% हमें फायदा मिले। तो आपको आज अपने शत्रुओं के बारे में जानेंगे, कौन है आपके शत्रु, वजह क्या है, उपाय क्या है और शत्रुता के पीछे कुछ मूल कारण जो आपको पता ही नहीं है अपने बारे में, वह भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने से आप अपने जीवन में शत्रुता से जुड़ा हुआ जितना सारा पार्ट है, खुद के बारे में बहुत सी चीजें विस्तार से जानने वाले हैं। बस आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखकर चीजों को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि यह बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जो आपका मन हो भगवान का नाम अवश्य रूप से लिखें। तीसरी बात है कि अगर आप चाहते हैं अभिमंत्रित रुद्राक्ष, जो लगभग 1 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों से अभिमंत्रित रुद्राक्ष है, वो अगर आप चाहते हैं तो वो भी हमसे मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर आप बात कर लें और ले सकते हैं। और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है वो भी करवा सकते हैं आप। सबसे पहला बात है कि आप की जो शत्रुता होने के पीछे रीजन है, जब आप अपनी शत्रुता को देखेंगे तो उसमें एक मूल रीजन होता है कि हमारी वजह से या हमारे लेने देने से किसी भी व्यक्ति से हमारी शत्रुता नहीं है। शत्रुता के पीछे एक मूल जो वजह होती है वो दूसरे व्यक्ति होते हैं। किसी और व्यक्ति का विवाद हुआ, किसी और व्यक्ति की परेशानी, वो व्यक्ति हमने ले ली। किसी और व्यक्ति ने किसी को कुछ बोला, वो तो ठीक हो गए, हम शत्रु हो गए। तो हमारे पीछे एक जो मूल बात है, दूसरे व्यक्ति है शत्रुता के पीछे। खास होना अलग बात है, दूर होना एक अलग बात है, लेकिन मूल जो वजह है यही है। आप अपनी शत्रुता को एक बार मेजर कर लेंगे। इसलिए कभी भी आप मध्यस्थता की भूमि में रहे, कभी भी उस भाव में न रहें, क्योंकि हम जब दोनों पक्षों को समझेंगे सुनेंगे तो हमें एक्चुअल चीजें पता लगेगी। तो ये जो भाव उत्पन्न होना किसी व्यक्ति, क्योंकि आप भावुक है, सरल है, सहज है, किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया ऐसा हो गया, दीदी ऐसा हो गया, आपने तुरंत उस पर रिएक्शन करा, आपसे जो बना आपने मदद की, लेकिन वास्तविकता हमने नहीं समझी और सोची। प्लीज ऐसा न करें। त्वरित निर्णय लेने का जो फैसला होता है किसी व्यक्ति के लिए, यह राहु से जुड़ा होता है। राहु चाहता है कि व्यक्ति को परेशानियों में और बाधाओं में घुमाए। तो प्लीज थोड़ा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका ये मतलब नहीं कि डरना है, डरना बिल्कुल नहीं। चीजों को बहुत ध्यान से समझे, सुने, ऑब्जर्वेशन करें, फिर आगे आपको बढ़ना है। दूसरा, शत्रुता की वजह है हर एक बात किसी भी व्यक्ति को बता देना। आप हर एक व्यक्ति पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते कि यह भी अपना है, यह भी अपना है, और जो सही बात होते वो कह देते। सही बात इस युग में कहना अच्छी बात है, लेकिन सुनने वाले नहीं बचे हैं। सही जब आप किसी को कह देंगे तो व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाता है कि ये हमारा शत्रु है, ये दुश्मन है, इसको कुछ चाहिए हमसे, या ये हमारा हितेशी नहीं है। पर सही बात कहने वाला व्यक्ति आपका सच्चा हितेशी, क्योंकि आपको सही बात कह रहा है। पर ये समझने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए कोशिश करें, बचे, अवॉइड करें चीज़ों को। ठोकर लगने के बाद ही व्यक्ति को समझ आए वो बेहतर होगा। इस वजह से आपकी शत्रुता बढ़ जाती है, अच्छे व्यवहार खराब हो जाते हैं और जो चीज़ें है ही नहीं वास्तविकता में वो आपके बारे में बातें की जाती है। तो प्लीज़ ऐसे पूरी तरह से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरा एक मूल रीज़न होता है धन। किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से आप धन दे देते हैं कि ठीक है, आपकी मदद की आवश्यकता है, आपको मदद, धन ले लीजिएगा। जब वो वापस नहीं देता शत्रुता बढ़ जाती है। और यही भावनात्मक वे में फैसला लेने से ही जुड़ी हुई बात है कि बहुत जल्दी किसी व्यक्ति को धन दे देना, ठीक है आप ऐसा कर लीजिएगा, आगे बढ़ने के लिए हेल्पिंग कर देना, लेकिन जब अपनी बारी आती है वो धन देने से मना कर देते। होने के बाद भी वो बहाने बनाते हैं कि जिस भाव के साथ अपने उनकी मदद करी वो भाव उन व्यक्ति का नहीं है। तब जाके हमें पश्चाताप भी होता है और फिर शत्रुता बढ़ जाती है। उस सब चीज़ों को एक अलग नजरिए से देखना लग जाते हैं लोग।
और यही सब चीजें बृहस्पति और शुक्र के अधीन होती है। शुक्र वैभव का स्वामी है और शुक्र की यह बहुत ऐसी चाल होती है कि व्यक्ति को धन के मूवमेंट में फंसा देना और आध्यात्मिक तौर से दूर कर देना। शुक्र और बृहस्पति दोनों परस्पर गुरु हैं, लेकिन एक दैत्यों के गुरु हैं और एक देवता के गुरु है, तो ये एक किसी व्यक्ति के जीवन में ट्रायंगल आ जाता है। तो थोड़ा सावधान यहाँ रहने की आवश्यकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों की मदद ना करें, मदद बेशक करें, लेकिन नेकी करें, दरिया में डालें, जो भी मदद की धन दिया अगर मदद के लिए उसे भूल जाए, वापस आना नहीं आना इससे कोई मतलब ना रखे। जब ये भाव आपका हो तभी आप आगे बढ़े। अगला, आपके जो शत्रु होने के पीछे मूल एक कारण होता है कि कुछ लोग, जिन लोगों को आप बातें बताते हैं वो अपनी तरह से मॉडिफाई करके बातों को दूसरों को प्रेजेंट कर देते हैं। वो सामने वाला तो व्यक्ति अच्छा का अच्छा बना रहा और आप दुश्मन हो गए, बल्कि आपका कहने का कोई मतलब नहीं था और इतनी नेगेटिविटी, इतना सारा खराब बातें आपके बारे में सामने वाले व्यक्ति में क्रिएट कर ली जाती है कि वो शत्रुता पैदा कर देता है। तो इससे भी आपको बचना है कि आपने किसी को क्या कहा, कैसे कहा, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की हमें बहुत हद तक आवश्यकता है। ये सब कारण बहुत बेसिक से कारण है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े कारण है। हमेशा मौन रहे, किसी को भी तुरंत रिप्लाई ना दे, जवाब ना दे, शांत रहे, कोई भी विवादित स्थितियां हो वहां से दूर हटे, क्योंकि विवाद का कोई भी मतलब नहीं है। विवाद, किसी भी विवाद में फंसकर हमारी मानसिक शांति को भंग करेंगे, तो विवाद से थोड़ा दूर हमें रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो चीजों में फंसने के बाद हमारी लाइफ एक सर्कल में घूमती रहती है, तो हमें थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। अब रही बात कि शत्रुओं को नाश कैसा हो, ठीक है हमने कुछ नहीं किया फिर भी शत्रु हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि बजरंग बाण का पाठ करें नियमित। सुबह उठे बजरंग बाण का पाठ करें, स्नान ध्यान करने के बाद बजरंग बाण के पाठ करने से जितने सारे शत्रु हैं उनका संहार होता है, उनका नाश होता है और स्वाभाविक रूप से शत्रुता खत्म हो जाती है। दूसरा है कि अपने गुरु मंत्र का नियमित जप करते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई मंत्र है तो ठीक, नहीं है तो नमः शिवाय का जप आप हमेशा करते रहें, उससे भी शत्रुओं का नाश होता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि किन भी हालातों में, कितने भी बुरे हालात हो, अपना आत्मबल, अपना विल पावर, अपना मोटिवेशन, अपनी सकारात्मकता, अपने इष्ट पर यकीन कम नहीं करना है, क्योंकि इष्ट पर यकीन और वही हमें विल पावर देता है जो दुनिया से लड़ सके, जो हम हालातों से लड़ सके और आगे बढ़ पाए। तो वो विल पावर हमें इष्ट से प्रदान होता है, तो हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है और शत्रु के बारे में ज्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना हम शत्रुओं के बारे में सोचेंगे उतनी ज्यादा शत्रुओं से जुड़ी हुई चीजें होंगी। तो प्रेम रखें, संवाद रखें, कुछ भी हो चीजों को बहुत बारीकी से समझें। हाँ, निडर रहें, डरे नहीं, इसका मतलब कि हमें डरना है, डरना कहीं भी नहीं, निडर रहना है हमें, लेकिन मन में वहम ना पाले और न ही मन में एक अज्ञात भय शत्रुओं से जुड़ा हुआ बनाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भूलनाथ का नाम लिखें, और अगर आप चाहते हैं अभिमंत्रित 1 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित रुद्राक्ष हमसे चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। अगर चाहते हैं कुंडली का विश्लेषण करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर वो भी बात आप हमसे कर सकते हैं। तो और विस्तार पूर्वक चीज़ों को समझने के लिए हम अगले वीडियो में और बात लेकर आएंगे, और अगर इसके अलावा आपका कोई और प्रश्न हो जो इस वीडियो में छूट गया तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखते, उससे जो भी हो पाएगा मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।